सो हेलो एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मतलब ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन का नंबर है 1657, डिटरमाइन इफ स्ट्रिंग आर क्लोज। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा टेस्ट केस लिया है, जो कि नहीं क्वेश्चन में दिया था। इसमें टेस्ट केस मतलब यहाँ पर फेल हो रहा था, मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया, तो इसको मैं आपको बताऊंगा मैं कि क्यों ये फेल हो रहा था। तो पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्ट्रिंग्स आर कंसीडर्ड क्लोज इफ इफ यू कैन अटेन वन फ्रॉम अदर यूजिंग फॉलोइंग ऑपरेशन। सो दो स्ट्रिंग को ये क्लोज बोल रहे हैं, जिसकी ये दो स्ट्रिंग है वर्ड वन और वर्ड टू। इसको क्लोज तब बोलेंगे जब इन दोनों के एलिमेंट ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद इक्वल हो जाएंगे, या तो पहले से इक्वल होंगे जो उनकी अरेंजमेंट है और फ्रीक्वेंसी है, जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, या फिर अगर वो इक्वल नहीं है तो इन दोनों ऑपरेशन को करने के बाद अगर वो इक्वल बन सकते हैं तो हमको उनको ट्रू रिटर्न करना है। तो ऑपरेशन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑपरेशन वन है स्वैप एनी टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया ए बी सी डी ई को इन्होंने बना दिया है किससे, ए ई सी डी बी से, मतलब इन्होंने क्या करा डी और ई को स्वैप कर दिया, मतलब उनके पोजीशन को स्वैप कर दिया, तो यहाँ पर यहाँ से ऐसे आ गए। और उसके बाद एक ऑपरेशन ये होगा कि हम किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं दूसरे कैरेक्टर से। एक तो ये हो गया हमारे पास, एक ये पावर मिली हुई है, पावर समझ लो। और ऑपरेशन टू में कौन सी पावर है, इसमें पावर है कि ट्रांसफर एवरी ऑकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। तो जहाँ पर आपके सपोज आपके पास ये है ए ए सी बी, सपोज बी बी ये है आपके पास, यहाँ पर ए बी बी है, तो छोड़ो आपको हम समझ नहीं है। तो और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या ये है बी बी नहीं, इसको अगर हम स्वैप करेंगे जो जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमको ये इसकी दो ऑकरेंस है ना, और ये इस पोजीशन पे स्टार्टिंग में, और हमको कोई और कैरेक्टर चाहिए जिसकी सेम ऑकरेंस हो, दो ऑकरेंस, तो हम उनको भी स्वैप कर सकते हैं। हम सिंगल ऑकरेंस वाले को तो मतलब सिंगल कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हैं, मतलब सिंगल कैरेक्टर को स्वैप करने का तरीका सिर्फ ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये नहीं देखना कि वो दोनों कैरेक्टर सेम है या नहीं, उनके फ्रिक्वेंसी सेम है नहीं, हमको इंडिविजुअली उसको स्वैप कर सकते हैं। मतलब चाहे तो हम ए को सी से कर दे या फिर डी को ए से कर दे, या तो ये तरीका होगा किसी को भी किस से स्वैप कर सकते हैं। और एक तरीका ये होगा कि हम अगर हमारे पास कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर है, मतलब किसी कोई कैरेक्टर रिपीटिंग में है, तो हम उसकी ऑकरेंस को दूसरे रिपीटिंग कैरेक्टर की ऑकरेंस से स्वैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बन जाएगा कुछ ऐसे बी सी ए ए, ये दोनों ए स्वैप हो गए एंड में आ गए और ये वाला बी स्टार्टिंग में आ गया। तो इस तरीके से हम अगर कैरेक्टर को बना सकते हैं, वर्ल्ड वन को वर्ल्ड टू से बना सकते हैं, तो हमको ऐसे केस में ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। जरूरी नहीं कि आपको दोनों ऑपरेशन यूज करने हैं, आप सिर्फ ए ऑपरेशन को भी यूज कर सकते हैं, आइदर आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं, और जितनी जितनी मर्जी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो देखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम ये ऑपरेशन को कैसे करेंगे, किस तरीके से ये मतलब ऑप्टिमाइज वे में इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है, दूसरा एंगल ये है कि हमको जो है ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है अगर हम समझ लेंगे कि ऑपरेशन कर क्या रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि वर्ड वन ए बी सी है और वर्ड टू है हमारा, ये वर्ड वन और ये वर्ड टू है बी सी ए, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं आपको कि ए का ऑकरेंस कितना है, ए का ऑकरेंस यहाँ वन है, बी का ऑकरेंस भी वन है और सी का ऑकरेंस भी वन है, और यहाँ पर भी हमको हमारे पास बी का ऑकरेंस वन है, ए का ऑकरेंस वन है, बी का भी वन है और सी का भी वन है। तो यहाँ पर चाहे इनकी पोजीशनिंग अलग अलग है, चाहे इनकी पोजीशनिंग अलग अलग है, लेकिन इसको हम इसमें करेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ इस ऑपरेशन को यूज करके। हमको एक पावर मिली हुई है ना कि हम किसी भी करेक्टर की पोजिशन को दूसरे करेक्टर के साथ स्वैप कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब हमारा एक डाउट तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, दोनों करेक्टर में दोनों वर्ड वन और वर्ड टू में हर करेक्टर की फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन उनके ऑर्डर चाहे अलग अलग हो, तो वो हम उनको आंसर ट्रू कर सकते हैं सिर्फ ऑपरेशन वन का यूज करके। हमें यूज नहीं करना, हमें बना कर नहीं, हमको सिर्फ बताना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जरूरी नहीं कि हमको ये यूज करना ही है, ठीक है ना। हमको इस तरीके से बनाना नहीं है, वर्ड वन को वर्ड बी से नहीं, बी बना कर रिटर्न नहीं करना, हमको सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। तो हमको हम ये बात समझ गए हैं कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है दोनों कैरेक्टर की, तो चाहे उनका ऑर्डर अलग अलग हो, तो हम उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात हम क्या समझ में आती है
दूसरी बात मैं देखता, एक बार इसको छोटा कर लेता हूँ, मैंने तीसरा टेस्ट कर लिया नहीं है, तीसरा टेस्ट केस मैं ले आता हूँ। सो तीसरा टेस्ट केस हमारे पास क्या है, ये है देखो, यहाँ पर ही मैं आपको समझा देता हूँ, या फिर मैं इसे कॉपी कर लूँ, कॉपी कर लूँ। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसी के ऊपर कर दूँ क्या? ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, चलो यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये रहा एग्जाम्पल, तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखो ऑपरेशन वन से हमको समझ आएगा कि ऑपरेशन वन के पास ये पावर है कि वो किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो हमको ये डाउट तो होना चाहिए कि हम ऑर्डर कैसे चेंज सही करेंगे। ऑर्डर को हमको मैटर नहीं करता, हमको सिर्फ फ्रिक्वेंसी मैटर करती है, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है, ये वाला केस। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या ए कितनी बारी आ रहा है, इसमें भी ए दो बारी आ रहा है, और बी बी हमारा तीन बारी आ रहा है, और सी सी हमारा वन बारी आ रहा है, ठीक है ना, एक बारी। और वर्ल्ड टू में क्या है, वर्ल्ड टू में ए हमारा एक बारी आ रहा है, बी हमारा दो बारी आ रहा है, और सी हमारा तीन बारी आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है कैसे। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है ना, देखो जैसे जैसे कि यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी सेम थी लेकिन ऑर्डर डिफरेंट थे। तो हमको ये चीज नॉलेज आ गई कि ऑपरेशन वन में बोला गया कि हम पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई भी कैरेक्टर को यहाँ से वहां उठा के रख सकते हैं। तो हमको इस केस में पोजिशनिंग मैटर नहीं करी, हमने फ्रीक्वेंसी से ही पता लगा लिया कि हम इसको ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक ही फ्रीक्वेंसी यहाँ दो है, यहाँ पर एक है। तो इस केस में पावर टू यूज होगी। पावर टू में हमको क्या बोला था, पावर टू में हमको बोला था कि आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो मैचिंग की फ्रीक्वेंसी है, कोई भी मतलब कोई भी इसकी यहाँ पर जो है दो है, ए दो बार आ रहा है, तो आप इस ए दो को बी दो से स्वैप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर बोला ना, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने पहले ऑपरेशन वन यूज करा है, ऑपरेशन वन को यूज करके इन्होंने पहले बी और ए को स्वैप कर लिया, बी और से बी और देखो यहाँ पर ए सी ए बी बी ए था, इन्होंने बना लिया इसको सी ए ए बी बी बी, ये बना लिया। इन्होंने ऑपरेशन वन का यूज किया यहाँ पर, किस पे किया, इन्होंने किया इस पे, इन्होंने इसको जब यहाँ से स्वैप किया तो ये बन गया सी ए ए बी बी बन गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने सिंपल ऑपरेशन बी को यूज कर, ऑपरेशन टू को यूज करा, और ऑपरेशन टू को यूज करके इन्होंने इस बी बी को सी सी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया ना जैसे कि हम किसी भी ऑल ए टू टर्न ऑल एज टर्न इनटू बी एंड ऑल बी टर्न इनटू एज। सो इन्होंने क्या करा कि बी जो ये तीन बारी बी आ रहा था ना, ये देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये था ना हमारे पास, ये यहाँ से आया, उसके जब इसको कन्वर्ट किया तो ये बन गया डी ए ए सी सी सी। तो इन्होंने इसको सी में कन्वर्ट कर लिया और इसको बी में कन्वर्ट कर लिया। मतलब कोई भी आप कैरेक्टर ले लो जो रिपीटिंग में है, उसको आप नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आपको शायद ये बोला था कि आप रिपीटिंग कैरेक्टर से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर से कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब कुल मिला के फंडा ये है कि हमारे पास एक तो फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए उस कैरेक्टर की, हमको ऑपरेशन करने से मतलब नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी सेम हो तब हम कर सकते हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं कि उनकी जो वैल्यू है, मतलब जो उनके अल्फाबेट्स है वो सेम होने चाहिए। ये नहीं कि देखो इस ऑपरेशन को आप तभी यूज कर सकते हो जब इनके अल्फाबेट सेम है। अगर ए चाहे 50 बारी आ रहा है, ए चाहे 5 बारी आ रहा है, ए चाहे 5 बारी आ रहा है, और सी आ रहा है, और यहाँ पर आपको सी सी जो है ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस ए को इसमें बना सकते हो सिर्फ इन दोनों ऑपरेशन के यूज करके। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, मैं आपको तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ्रिक्वेंसी तो मैटर कर रही थी, लेकिन फ्रिक्वेंसी मैटर कहाँ नहीं कर रही, जब आपके पास कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन। तो इस केस में ऑपरेशन टू क्या कर सकता है, कमाल, ऑपरेशन वन का यूज करके। तो ऑपरेशन वन से तो हम इसके पोजिशन चेंज कर देंगे, और ऑपरेशन टू से हम क्या कर सकते हैं कि इनकी कैरेक्टर को, पूरे के पूरे कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, मतलब उनकी मतलब ए अगर ए यहाँ पर ए को बी बना सकते हैं, बी को सी बना सकते हैं, मतलब हम कुछ भी करके इसको बना सकते हैं इसमें, ठीक है। ये वर्ड वन है, ये वर्ड टू, मैंने ये खुद से लिया एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो इनका ऑकरेंस है, इनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, और
इनके इनकी फ्रिक्वेंसी के अलावा इनके अल्फाबेट भी सेम हो, और वो दोनों चीजें आप हैश मैप से पता कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते ना कि अगर आपको लग रहा हो कि फ्रिक्वेंसी क्यों देखनी है हमको, तो अगर आप इस क्वेश्चन इस मेरे उसको देखोगे इस वाले को, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें चाहे ऑकरेंस नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहे दोनों की सेम हो, यू भी दो बार ही आ रहा है, यहाँ पर भी एस दो बार ही आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है, यू की फ्रिक्वेंसी दो है, यहाँ पर एस की फ्रिक्वेंसी दो है, ए की फ्रिक्वेंसी एक है, तो यहाँ पर एक्स की फ्रिक्वेंसी एक है। लेकिन आप फिर भी इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट डिफरेंट है, मतलब कैरेक्टर ही डिफरेंट है। तो आप चाहे जितनी मर्जी बार ये ऑपरेशन दोनों ऑपरेशन यूज कर लो, आप इसको इसमें नहीं बना पाओगे, ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब यही था। तो आपको क्या चेक करनी है, सबसे पहले हमको फ्रिक्वेंसी चेक करनी है। अब मैं आपको अगर इसको मिटा के फिर बताता हूँ आपको करना क्या है। तो उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा एक बारी, और अगर आपके पास वो हो जाता है तो नोटिफिकेशन आया था एक, उसको देख रहा था मैं, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैश मैप का यूज करेंगे यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन हैश मैप से ही करा जा सकता है। अगर आपके पास कोई बेटर अप्रोच है हैश मैप या एरे को यूज ना करें, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं जोर से देखना चाहूंगा उसको। लेकिन मुझे कोई ऐसा अप्रोच मिला नहीं जो बिना हैश मैप या फिर एरे को या फिर लिस्ट को यूज करके करे बिना कर सकते हो। तो इसमें करेंगे हम दो हैश मैप बना लेंगे, हैश मैप वन और हैश मैप मैप टू, मैप वन या मैप टू नाम देता हूँ। तो हम इसमें फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, दोनों की फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, मैंने फर्स्ट लिया फर्स्ट, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई। उसके बाद फ्रिक्वेंसी आने के बाद हम ये चेक करेंगे कि दोनों की कीज भी सेम हो, कीज भी, ये फ्रिक्वेंसी हमने स्टोर कर ली, उसके बाद हम चेक करेंगे कीज, अगर हमको कीज सेम नहीं मिलती है तो तुरंत बिना कुछ सोचे तुरंत रिटर्न फॉल्स कर देना, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम इसको नहीं बना पाएंगे इन दोनों ऑपरेशन को यूज करके। चाहे जितना मर्जी आप स्वैप करते रहो, घुमाते रहो, ए को बी बनाते रहो, बी को ए बनाते रहो, आप नहीं कर पाओगे अगर उनकी की सेट, मतलब जैसे कि ये इस तरह का कोई आता होता है अगर, ठीक है ना, और अगर की सेट भी सेम है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस फ्रिक्वेंसी को मैप करना, मैच करना हमको, ये जो सॉरी वैल्यू को, की वैल्यू होती है ना, तो हमको इस वैल्यू को मैच करना है कि ए वैल्यू से मिल रही है। अभी तो यहाँ पर एक 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 है, अगर यहाँ पर एक दो तीन होती और यहाँ पर तीन दो एक होती, तो हमको इन दोनों को मैच करना होता। मैच कैसे करेंगे, हम सिंपल इस वैल्यू को एक लिस्ट में डाल देंगे, लिस्ट वन, और इसको डाल देंगे लिस्ट टू में डाल देंगे, और उसके बाद इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे कलेक्शन डॉट सॉर्ट से, और उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों लिस्ट इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं कोड को फटाफट, कोड बहुत इजी है इसका, एक सेकंड, मैं पेन ले आता हूँ, पेन ये रहा मेरा पेन, ठीक है, तो ये रहा पेन, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने करा क्या। देखो सिंपल से दो मैप ले लिए कैरेक्टर और इंटीजर के, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ली, ठीक है ना। ये फ्रिक्वेंसी स्टोर करने का एक तरीका होता है, ये मेरा फिर पेन फिर से गायब हो गया, कैमरे के पीछे है ना वो आइकन, तो इस कारण से दिक्कत हो रही है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, हाँ, तो अब आपको शायद पूरा दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब मैंने करा सिंपल वही करा, यहाँ पर मैप ले लिया, मैप लेने के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ली, कैरेक्टर आप चाहे तो कैरेट से भी कर सकते हैं, मैंने कैरेट से करा है, ठीक है ना, दोनों मतलब सेम ही है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, ओके चलेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल करा, वर्ड वन में जो भी हमारे पास इनपुट है, जो भी कैरेक्टर है, उनकी फ्रिक्वेंसी को मैंने मैप वन में डाल दिया, और ये मैप डॉट गेट डिफॉल्ट, अगर आपको नहीं पता तो आपको देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। ये अगर चेक करते हैं, अगर पहले से फ्रिक्वेंसी पड़ी तो उसको प्लस वन कर देता है, अगर नहीं पड़ी तो उसमें वन डाल देता है, सिंपल ये। तो इस तरीके से दोनों में फ्रिक्वेंसी डाल दी, सेम लाइन में मैंने लिख दिया, मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया ताकि थोड़ा कोड छोटा लगे, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया, दोनों में फ्रिक्वेंसी हमारी स्टोर होगी। उसके लिए करा लिस्ट बनाया, और लिस्ट के अंदर दोनों की वैल्यू डाल दी, कैसे, मैप वन डॉट वैल्यू से वैल्यू निकल जाती है, और मैप टू डॉट वैल्यू से वैल्यू निकल गई, और दोनों की वैल्यू डाल दी मैंने। दोनों की वैल्यू डालने के बाद एक्चुअली मेरे को ये लाइन ऊपर लिखनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने चेक किया कलेक्शन डॉट सॉर्ट करने से पहले, मैंने चेक किया
एक की सेट तो चेक कर लूँ ना, की सेट अगर बराबर है या नहीं। देखो मैंने मैप में फ्रिक्वेंसी डाल दी है, फ्रिक्वेंसी वहां पर मैप में कुछ इस तरीके से आ गई होगी, A1B2C5 जो भी है, और वर्ल्ड टू की भी आगे होगी B1A2C5 ऐसे करके। तो इन दोनों में हमको ये तो पता लगा कि फ्रिक्वेंसी स्टोर हो गया। अब हमको चेक करना है कि की भी सेम है नहीं, अगर की डिफरेंट हुई तो हम नहीं आंसर नहीं पता कर सकते, कुछ कुछ भी हो जाए। तो हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, इज नॉट इक्वल टू मैप वन डॉट की सेट इज इक्वल टू मैप टू डॉट की सेट। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है ना, रिटर्न फॉल्स कर दो। ये तरीका होता है की सेट सीधा की सेट कंपेयर करने का, मैप वन डॉट की सेट डॉट इक्वल्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर किस कंपेयर किसके साथ करवाना तुमको तो उसका डालना होता है। तो मैप टू डॉट की सेट के साथ कंपेयर करो, अगर वो कंपेयर होने पर पता लगता है कि वो इज नॉट इक्वल टू है, मतलब हमारी कंडीशन सही है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अदरवाइज करो, अदरवाइज लिस्ट को सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करने के बाद उसको जो है आंसर में रिटर्न कर दो, रिटर्न लिस्ट वन डॉट इक्वल लिस्ट टू। तो हमने ये करा, तो फटाफट को सबमिट करके देखते हैं कि चल रहा है या नहीं। पहले मेरा फेल हो रहा था वो इसी कंडीशन पे हो रहा था कि मैंने कर रहा था कि वो की सेट को नहीं कंपेयर कर रहा था, तो हो गया। अब चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा, पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।